मुझे दिल में बहुत घबराहट होने लगती है। अच्छा नहीं किया उस आदमी ने मेरे बच्चे के साथ। हाँ मुझे पता है। देखो मैं तुम्हारी टेंशन समझ रहा हूँ, लेकिन हरिणी ने कहा था ना कि वो वहाँ नहीं आएगा। हरिणी के घर का फंक्शन है, उसके बच्चे का फंक्शन, वो तो वहाँ होगा ही। मैं ये सोच रही थी शंतनु कि आज हम वहाँ नहीं जाते हैं ना, हमने गिफ्ट लाए हैं, हम गिफ्ट भेज देते हैं। अच्छा लगेगा। नया सवेरा नया दिन, और अब सभी सज धज कर तैयार हुई है अपनी हरिणी ताई के बेटे वंश के फंक्शन में जाने के लिए, और चॉकलेट को समझा रही है कि वो कोई गंदगी ना करे और गुड बॉय बनकर बैठे रहे एक ही जगह जब तक वो लोग वापस ना आ जाए। और सई की बोली बात याद आती है सभी को, जो उसे चॉकलेट की परी मम्मा बना दी है और मुस्कुराते हुए चॉकलेट को प्यार भी करती है। वहीं शांतनु भी रेडी हो गए हैं, पर ईशा वो तो अभी तक रेडी नहीं हुई। क्यों? और एकदम गुमसुम सी है ईशा। मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ शांतनु? कल मिसेस ठक्कर थी, आज हरिणी की वहां सांस होगी। जब देखो तब मेरी बच्ची को इतना कुछ बोलते रहते। नहीं नहीं सुनो, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो देखो मिलिंद ने उन्हें सब कुछ समझा दिया होगा, और वैसे भी जब तक वो वहां नहीं आ, प्लीज उसके बारे में बात मत करो। उसके नाम का जिक्र होते ही मुझे दिल में बहुत घबराहट होने लगती है। पर शांतनु बोलता है कि हरिणी ने मिलन को सब कुछ समझा दिया है, वो वहाँ नहीं आएगा। पर कहीं ना कहीं ईशा को डर सताता है कि हरिणी के बेटे के फंक्शन है तो वो तो आएगा ही, और उसका तो नाम सुनते ही ईशा के दिल की धड़कने तेज हो जाती है डर से, इतना जो सताया है सभी को उसने। और शांतनु से कहती है कि जो गिफ्ट उन्होंने खरीदा है उसके बेटे के लिए वो भेज देते हैं, पर नहीं जाते। पर शांतनु पूछता है कि क्या ऐसा करना अच्छा रहेगा, आखिर हरिणी सभी की एक आखिरी रिश्तेदार है और सभी वंश से कितना प्यार करती है, तो वैसा जगह तो जाना ही चाहिए जहां दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, ताकि सभी भी खुश हो जाएं। आई, आप अब तक रेडी क्यों नहीं हुए? प्यारी लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। आपने ये क्या हाल बनाया है? आप रेडी हो जाओ ना, मैं आपकी साड़ी आयन करके लेकर आती हूँ, ठीक है? पर सॉरी और जहाँ सभी अपनी आई की साड़ी आयरन करने जाती है, वहीं ईशा सभी को ऐसे देख थोड़ा मुस्कुराती है। अब परी जो लग रही है उसकी बेटी, पर मन में सोचती है कि सभी इसलिए तैयार हुई होगी क्योंकि उसे वो लड़का पसंद आया होगा, पर शर्मा रही है बोलने में क्योंकि अभी ये एहसास नया नया है। और मन ही मन में ईशा सोचती है कि सभी किसी के लिए तैयार हुई है, पर किसके लिए वक्त बताएगा, क्योंकि सभी भी अब खुश रहना और दिखना भी चाहती है ताकि लोग उसकी आय को कुछ भी ना बोले और वो परेशान ना हो, और वादा जो किया है अपने ईशान सर को उसने। पर ईशा तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना शुरू कर दी है सभी को लेकर। पर सभी का क्या, वो सजे भी तो लोग कहें और ना सजे तो भी, पर किसी की परी मम्मा जो है सभी। देखते रहिए आगे की अपडेट्स यहीं पर घूमे किसी के प्यार में, जहां हम आपको बताएंगे कि आगे जाकर आज सभी के साथ होने क्या वाला है, यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। अभी सब कुछ नया नया है, इसीलिए शायद शर्मा रही है। सब समझती हूं मैं सभी कि तू किसके लिए तैयार हुई है, आईपैड में फोटो वाले के लिए ना।